आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ई विधान व्यवस्था की 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया। विधानसभा ने नवनिर्वाचित सदस्यों को सकारात्मक भाव बनाने रखने की नसीहत देते हुए कहा कि नकारात्मक किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती है। उन्होंने विधानसभा सदस्यों को ठेके पट्टे तबादला तैनाती से पूरी बनाने की सलाह दी। देश की पहली विधानसभा जो सबसे बड़ी विधानसभा है, वह अब ऐसे लगती है जैसे वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखनी चाहिए थी, और वह एक अच्छा प्रयास हुआ है। इस प्रयास का लाभ आप में से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाला है। सुधारनगर में विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल जो सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के लोगों के लिए सुगम आवास के लिए कुआनो नदी के चोरघटा घाट पर 3 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा पुल 7 साल बीत जाने के बाद भी पूरा ना हो सका, जिसके चलते आमजन का उत्साह निराश में बदलने लगा है। विभाग की जिम्मेदारी की उदासीनता का दंश राहगीरों को झेलना पड़ रहा है। बरसों से पड़ा हुआ है और इसमें कभी काम चालू होता है, कभी नहीं चालू होता है, और क्या नाम है, बारिश में बहुत हम लोग को परेशानी होती है आने जाने में। इसमें प्रशासन कोई अधिकारी खोज खबर को लेने वाला नहीं है। ये बरसात में बहुत दिक्कत होती है, इधर से उधर हम लोग नहीं निकल पाते हैं। बहुत ज़रूरी है इस पुल को बनना। मीडिया के बंधुओं द्वारा ही संज्ञान में लाया गया है और मैं इसको दिखवाता हूँ, मौका प्रयास करूँगा कि स्वयं भी देख लूँ। और सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इसका निर्माण कर रहा था, उनसे संबंधित अधिकारीगण से बात कर लेता हूँ। अगर राजस्व की वजह से, भूमि आवंटन की वजह से या जमीन के अधिग्रहण की वजह से ये मामला लटका हुआ है तो इसको निपटाने का प्रयास मैं अपने स्तर से करूँगा, अन्यथा संबंधित विभाग से पत्राचार करके इसको शीघ्रता से इसको निपटाने का प्रयास करूँगा। मुरादाबाद में भाजपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जबरन गाड़ी को रोककर अज्ञात भीड़ ने नेता की पिटाई की है। आपको बता दें कि नेता एक शादी के कार्यक्रम से घर वापस लौट रहे थे जब ये पूरी घटना हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने मारपीट की घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिनेश ठाकुर जो महामंत्री है किसान मोर्चा के, उनके द्वारा थाने पर आकर एक तहरीर दी गई है, जिस तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में तत्काल अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है। तहरीर के संबंध में जो तथ्य हैं, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं, दिनेश ठाकुर का तत्काल चिकित्सीय परीक्षण करा दिया गया है। इस अभियोग में जाँच प्रचलित है, जाँच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की। मुरादाबाद जिला कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यथास्थिति धर्मस्थल कानून 1991 को निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि धर्मस्थल 1991 को तुरंत निरस्त किया जाए, जिससे तोड़े गए सभी धार्मिक स्थल हिंदू समाज को प्राप्त हो सके और उनको भव्य रूप में बना सके। वो अपने सारे हिंदुस्तान के धार्मिक स्थल हैं जो 1947 में आज़ादी से पूर्व थे, उनकी स्थिति वैसी रहेगी केवल राम जन्मभूमि मंदिर को छोड़कर। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर जब ये कानून 1991 में आया था तो उसमें संघ भी था, संघ परिवार भी था, भाजपा भी थी, हमने इस कानून का पुरजोर सारे हिंदुस्तान में विरोध किया था, और आज उनकी सत्ता है तो हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, मांग करते हैं कि इस
कानून को निरस्त करो। रायबरेली में ओवरब्रिज नेशनल हाईवे के टूटने का मामला लगभग हर रोज कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। बता दें कि 3 साल पहले ओवरब्रिज का उद्घाटन पीएम ने किया था और कुछ समय बाद ही बोरिंग डिस्प्लेसमेंट के कारण पुलिस के बीच में बड़े स्तर पर दरार पड़ गई। दरार पड़ने की सूचना से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा, सीओ सिटी वंदना सिंह सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जाकर पुल का निरीक्षण किया, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों ने डायवर्जन करने के निर्देश भी दिए। जानकारी देते हुए NHAI के PD ने बताया कि 1 हफ्ते तक आवागमन बाधित रहेगा। अभी ये खबर आई तो बता रहे हैं कि बेरिंग का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ट्रैफिक इसलिए रोक दिया गया है। उसके लिए टीम आ रही है लखनऊ से जो उसको सही करेगी, तो इसीलिए सभी लोगों की सुरक्षा तो सारा ट्रैफिक ऊपर और नीचे रोका गया है। मुरादाबाद में अखिल भारतीय पाल महासभा के पाल समाज के लोगों ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर प्रकाश नगर चौराहे पर मूर्ति लगवाने और चौराहे का सौंदर्यीकरण किए जाने की मांग को लेकर मंडल कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही मांगों का ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। मेरे अहिल्याबाई होलकर के नाम से एक चौक प्रकाश नगर चौराहा जिसको कहते हैं, वो पंजीकृत कराया था नगर निगम में। सन 2010 में उसका सौंदर्यीकरण भी हुआ था नगर निगम के द्वारा, लेकिन उसके बाद वो आज टूटी फूटी अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया था लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मंडलायुक्त से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनको ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे चौराहे का, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर चौराहे का सौंदर्यीकरण कराएँ और मूर्ति स्थापना का आदेश पारित करें। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के किसान सेना के मंडल अध्यक्ष DM कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर बताया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। किसान सेना ने मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि जो सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ करने की बात कही थी वो वादे पूरे नहीं किए गए। इसी के साथ उन्होंने किसानों की मांग न पूरे होने पर CM के नाम का एक ज्ञापन दिया और कहा कि मांगे नहीं पूरी हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैनपुरी में दीवानी गेट पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और पति ने पत्नी को गोली मार दी। अचानक चली गोली से मौके पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल घायल महिला को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। गोली मार दी। किसने मारी है? रत्न ने। आपके पति ने? हाँ। क्या तारीख वारीख आए थे? किस चीज का केस चल रहा है? अच्छा, कब से, कितना समय हो गया? डेढ़ साल। दीवानी पे मारी है? दीवानी गेट पे। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। कहाँ हैं बच्चे? आए थे साथ में घर पे? हम दीदी घर पे हैं। ये तारीख पाए थे तो इसमें बच्चों को लेके, दो बच्चे हैं मेरे, बच्चों को लेके आज थोड़ी बहुत दीवानी के बाहर गोली मारी। क्या मुलजिम गिरफ्तार हो गया? राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक मां की मौत के बाद उसके शव के साथ उसकी बेटी 10 दिनों तक बैठी रही। दुर्गंध उड़ने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ न होने पर विस्तृत जांच के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस और फोरेंसिक टीम ने पड़ताल शुरू की। राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर के मयूर सोसाइटी से एक लड़की अपनी मां के मृत शरीर के साथ लगभग 10 दिनों से रहते हुए पाई गई है। जब मृतका का शरीर से बदबू आती है तो पड़ोसियों के पास जाती है, जिसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना देते हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है और जब तहकीकात करता है तो एक कमरे में मृतका की डेड बॉडी थी तो दूसरी कमरे में मृतका की बेटी रह रही थी। वहीं आपको बताएं कि पड़ोसियों के मुताबिक ये लगभग 4 सालों से उस जगह पर रह रहे थे और पुलिस के मुताबिक ये मामला निकल के आया है कि जो सुनीता दीक्षित नाम की मृतका है वो HL से रिटायर्ड है।
वहीं आपको बताएं कि पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो मृतका की बेटी थी उनको अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया है। अब मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कहना साफ होगा कि ये हत्या है या ये आकस्मिक मृत्यु है। कैमरामैन शुभम के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। बिजनौर में एनआईए अफसर और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में आज एडीजी कोर्ट 5 के जज डॉक्टर विजय कुमार तालियान ने दोषी पाए गए दो मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई। गौरतलब है कि अप्रैल 2016 में शादी समारोह से लौटते समय एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में बीते दिन कोर्ट ने 3 लोगों को बरी कर दिया था और 2 लोग दोषी पाए गए थे। फांसी की सजा दी गई है मुनीर और रयान को। मामला क्या था? मामला ये था 2/4/2016 की घटना है। एनआईए के अधिकारी थे, डीएसपी थे, उनका कत्ल किया था और उनकी पत्नी का, दोनों का कत्ल किया था तो उसमें दोनों को फांसी हुई है। इस डबल मर्डर केस में मुनीर एवं रयान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अभी कुछ दिन पहले गैंगस्टर कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के अर्थदंड एवं 10 वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया था। हत्या के मामले में एडीजे 5th कोर्ट ने आज उन्हें फांसी की सजा कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया है। मुनीर और रयान दोनों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई गई है। अलीगढ़ में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और 4 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गांजे की कीमत 70,00,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना पर एक ठिकाने पर रेड किया गया और ठिकाने से लगभग 4.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है जिसकी मार्केट वैल्यू इस समय लगभग 70,00,000 रुपए है। साथ ही एक व्यक्ति को मौके से अरेस्ट किया गया है जो इस कारोबार में लिप्त है और एक उसके पास से ऑल्टो गाड़ी भी बरामद हुई है जिससे वो लोकल में माल ट्रांसपोर्ट करता था। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति हैं जो इसके साथ ये कारोबार करते थे और उन दोनों व्यक्तियों का नाम है कोसा सिंह और कौशल एवं राकेश और गुड्डू और जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ उसका नाम है सोनू कुमार। तो इन तीनों व्यक्तियों द्वारा ये कार्य किया जाता था और शीघ्र ही इसमें इन दोनों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गोरखपुर के एक कार्यक्रम में पहुंचे गोंडा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे पर जंप कर निशाना साधा है और कहा कि राज ठाकरे अयोध्या आ ही नहीं सकते और जगह जगह राज ठाकरे मांगो माफी वरना जाओ वापस के पोस्टर भी देखने को मिले। कल उस जनसभा में माफी मांग ले, जब अनुमान है तो अनुमान माफी भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े। माफी मांगे वो मोदी जी से, माफी मांगे योगी जी से, माफी मांगे संतों से, माफी मांगे उत्तर भारतीयों से, मुझसे नहीं मांगना है। अभी तो वो मारा है, क्या नाम है, काला जंग मारा है, उसमें सीधे भाई फाल होता है। अब आगे जैसा करेंगे उसे देखा जाएगा। हैसियत नहीं, वो समय था कांग्रेस ने उनको सिक्योरिटी दे रखा था, शिवसेना को कमजोर करना था, सिक्योरिटी दे दिए थे और तब वो करते थे। आज वो हैसियत नहीं है। उत्तर भारत के लोग बड़े दमदारी के साथ रहते हैं और चिंता मत करिए और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी टाल लेंगे, परेशान मत होइए। आगरा में पुलिस की वजह से ऐसे चेहरों पर मुस्कान दिखी जिनका मोबाइल किसी कारणवश छूट गया था। बता दें कि खोए हुए 51 मोबाइल को उनके मालिकों को दे दिया गया। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि ताज नगरी पुलिस की प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से आगरा के लोगों की समस्या को हर हाल में दूर किया जा सके। 51 सभी मोबाइल एंड्रॉयड फोन है जिनका कीमत कम से कम 5,000 से ज्यादा ही सभी का है और ये 51 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये वैसे मोबाइल हैं जो लोगों के हाथ से कहीं छूट के गिर जाते हैं, कहीं मिसिंग हो जाते हैं और कि दूसरे के हाथ में चले जाते हैं, उसे हम ट्रैक करके बरामद करते हैं और हमें सबसे बड़ी हमारे लिए संतुष्टि होती है कि जो मोबाइल पाता है उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो आगरा पुलिस के लिए बहुत ही संतुष्टिकारक होता है, बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। निरंतर ही ऐसे हम कार्य करते रहेंगे जनसेवा में। तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।